क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो आज बात करेंगे फुटबॉल की और कुछ ट्रांसफर न्यूज़ की। तो पहली ट्रांसफर न्यूज़ की बात करते हैं रोमारू लुकाकू की, जो उन्होंने अपनी एक तरह से बदली करा ली है। ट्रांसफर हो गए हैं वो चेल्सी से नेपोली में। डील डन हो चुकी है, 3 साल की डील हुई है वो 30 मिलियन यूरोज में, और कुछ मिलियन पाउंड्स जो हैं, कुछ मिलियन जो हैं एड ऑन किए जाएंगे इनके। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा उनका। अगर मैं पास्ट के लिए बताऊं तो चेल्सी ने बहुत महंगा खरीदा था भाई इसको, 110 या 115 मिलियन यूरोज में खरीदा था उसको चेल्सी ने। क्योंकि अगर आप देखोगे ना, इसका जो इंटर मिलान का सीजन बहुत अच्छा रहा था लुकाकू का, 2019 का और 2020 का, और 2020 में तो ये चैंपियंस साबित हुए थे सीरिया ए टाइटल के लुकाकू, और लुकाकू वहां पर टॉप स्कोरर भी थे और प्लस टॉप गोल कंट्रीब्यूशन भी था। अगर उसकी सीजन की बात करें 2020-21 वाली, तो उसमें 24 गोल किए थे इसने अकेले ने और प्लस 10 असिस्ट थे। मतलब आप कह सकते हो कि 34 गोल कंट्रीब्यूशन थी अकेले लुकाकू की। तो उनका बहुत ही फाड़ सीजन गया था इंटर मिलान की तरफ से 2020-21 में। हाँ, मैं ये बताना चाहूंगा कि उस इंटर मिलान में जो उनके मैनेजर थे कॉन्टे थे, एंटोनियो डी कॉन्टे थे, और इस नेपोली में भी वही इनके मैनेजर हैं, एंटोनियो कॉन्टे ही मैनेजर है। तो उनकी पहल हो सकती है उनको ट्रांसफर करवाने में। हाँ, तो मैं कहा था 2019 और 2021 का उसका सीजन बहुत अच्छा, जिसकी वजह से चेल्सी ने एक कह लीजिए एक मूव करा था ट्रांसफर का। 2021 में ट्रांसफर करी थी 110 या 15 मिलियन यूरोज की, बहुत महंगी थी वो। टॉप फाइव या टॉप थ्री में होगा वो क्लब हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा महंगा खिलाड़ी बिकने का। लेकिन जितने महंगे खिलाड़ी थे उतना ही फीका प्रदर्शन रहा उनका क्लब में भी, और प्लस इंटरनेशनल अपने बेल्जियम की तरफ से भी। अगर हम क्लब की बात करें उनकी, तो क्लब में 2021 इनका डाउनफॉल शुरू हो गया, कोई गोल कंट्रीब्यूशन नहीं, मेन बड़े मौकों पर ये फेल हो जाते थे, जिनकी वजह से चेल्सी ने इनको लोन में कर दिया था। लोन में फिर दोबारा से इंटर मिलान में गए 1 साल, और 1 साल इन्होंने रोमा में काटा, वहाँ पर भी इन्होंने कुछ उखाड़ा नहीं ज़्यादा। तो अगर हम बात करें इनकी करंट परफॉर्मेंस की, जो हम कह सकते हैं इंटरनेशनल परफॉर्मेंस की बेल्जियम की तरफ से, वहाँ पर भी वे फिसड्डी साबित हुए हैं। अभी हाल ही में यूरो साबित हुआ है, 4 मैच खेले उन्होंने, 4 मैच में एक भी गोल नहीं हुआ इनसे, और सिर्फ एक असिस्ट था, वो भी पता नहीं कैसे लग गया असिस्ट। अगर हम बात करें जितने मैच खेले उतने तो इनके डिसअलाउड गोल ही हो गए, मेरे ख्याल से 3 डिसअलाउड गोल हुए थे इनके पिछले यूरोज के मैच में। तो 30 मिलियन यूरोज है, नेपोली ने इनको खरीद लिया है, एक तरह से इन्होंने चांस खेला है। खरीदा क्यों, वो भी एंटोनियो डी कॉन्टे की वजह से, जो इनके मैनेजर हैं, क्योंकि इंटर में वो मैनेजर थे जहां सीरिया की टाइटल जीते थे वो, अब वो नेपोली के भी नई कोच या फिर मैनेजर बन गए, तो वहीं से उन्होंने खींचा होगा। तो अब चेल्सी क्या कर सकती है, एक स्ट्राइकर की कमी होगी। अब चेल्सी जो है मेन, जो नेपोली के जो स्ट्राइकर हैं विक्टर ओसिमेन, जो 25 साल के हैं, उन पर नज़र रखे हुए हैं, और कई क्लब्स भी उनके नज़र हैं। अल नसार या अल हिलाल जो सऊदी प्रो लीग में है, वही भी नज़र रख रहे हैं विक्टर ओसिमेन में। लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ चेल्सी को ही जाना चाहिए विक्टर ओसिमेन को, क्योंकि सऊदी प्रो लीग यार मैंने देखे हैं एक आधे मैच, इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, इतना कंपटीशन नहीं है, तभी रोनाल्डो गोल पे गोल दाग रहे हैं। तो चेल्सी एम कर सकती है विक्टर ओसिमेन में। तो देखते हैं लुकाकू का ये वाला नेपोली का सीज़न कैसा होगा। मुझे तो नहीं लगता कि अब उनका कोई कमबैक होगा, या मैं तो वैसे ही कह रहा हूँ मैं, क्योंकि जैसे मैंने उनकी देखी है ना, वो परफॉर्मेंस देखी है क्लब लेवल और इंटरनेशनल लेवल भी, 3-4 साल से उनकी डाउनफॉल ही डाउनफॉल आता जा रहा है। अगर एज की बात करें तो मात्र 31 साल के, ऐसा भी नहीं कि वो 33, 34, 35 साल के हो गए हों, एज भी है उनके पास, लेकिन वही है ना, टाइम की बात होती है। तो यही थी आज कि ट्रांसफर की न्यूज़, और एक ट्रांसफर की न्यूज़ लाएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय।